ये तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं मोहन नगर से। आपको बता दूं, मोहन नगर में एक 60 से 65 साल की महिला का शव मिलता है। जी हाँ, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, आपको दिखाई देगा। एक तरफ तो बात की जाती है कि महिलाएं सेफ हैं, नारी का भविष्य हमारे हाथ में है, नारी को सेफ रखना है, लेकिन सरेआम जो है लाशें जो है वो कहीं ना कहीं, कहीं दिल्ली, कहीं पंजाब, कभी हरियाणा, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ गलत होता दिखाई देता है। रविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर की लाइव तस्वीरें। जी हाँ, डॉग स्क्वाड यहां पर पहुंचा, आपको दिखाई देगा। इस समय अगर आपको बता दूं, डीएसपी यहां पर पहुंचे हुए हैं, एसएचओ सिटी यहां पर पहुंचे हैं। सामने की जो विजुअल है वो महिला 60 से 65 साल की बताई जा रही है। हालात उसके जो है वस्त्रहीन कहा जा सकता है, पूरे वस्त्र नहीं है, इसलिए आपको हम उसका विजुअल नहीं दिखा सकते। डॉग स्क्वाड से उसको सर्च किया गया। पड़ोस में बताया जा रहा है कि पड़ोस में जब कोई लोग जो है साइड में बाथरूम करने गए तो उसने देखा और उसने जो है पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया। और आपको बता दूं कितनी दुखद घटना। जी हाँ, खबर को शेयर करिएगा। पहले भी याद होगा कि खबर आपको हमने पहले भी दिखाई थी, नाले जो बनाए गए थे पिपली से लेकर, जी हाँ, थर्ड गेट से लेकर के पिपली तक जो है वो नाले बनाए गए थे। उन नालों में जो साइडों पर जगह छोड़ दी गई थी, एक क्षेत्र खबर आपको याद हो तो एक खबर दिखाई थी जिसमें कि एक जो है नंदी गिर गया था, उसको बड़ी मुशक्कत से निकाला गया। वही वारदात दोबारा हुई, उसी खाली जगह को देख करके किसी ने वो महिला को वहां फेंका और निर्वस्त्र वो महिला थी। आपको हम विजुअल नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है ये। आखिरकार क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? सब चीज जो है इस समय असमंजस में है, कवर्ड है, क्योंकि हमारी डीएसपी सुभाष जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी जो टीम जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है और देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर जो है उसके आसपास का, जहां वो महिला का शव मिला उसके आसपास का जो कागज थे या क्या क्या था, उसकी टूटी हुई चूड़ी यहां पर आपको दिखाई दी, वो सारा कुछ निकाला जा रहा। टीम जो है साथ लेकर के जाएगी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। खबर को शेयर करिएगा, आखिरकार कब बचेगी हमारे देश की नारी की इज्जत? खबर को शेयर करिएगा। दुखद घटना जी, आज समय जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं मोहन नगर से, बिल्कुल जी आपको बता दूं विशाल मेगा मार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो रोड है, जी हाँ, कुरुक्षेत्रा से पिपली की तरफ जाती हुई उस रोड पर जो है ये लाश जो है एक महिला की 60 से 65 साल वर्षीय महिला की लाश जो मिली है। आखिरकार क्यों नहीं इस चीज को संभाला जा रहा? क्या बताएंगे इस समय यहाँ पर जो है एक लावारिस लाश जो है महिला की वो मिली है, उसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा जी, एक अननोन डेड बॉडी मिली है, अभी सीनोप का स्पेशल टीम बुलाई है, उन्होंने अपनी जांच की है, अभी कोई पता है नहीं कौन है कौन नहीं है। अभी डेड बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद जैसी सूरत होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो परिस्थितियाँ थी वो संदिग्ध थी या कैसे थी, क्या परिस्थितियाँ? तो खैर, देखने से तो हर डेड बॉडी की संदिग्ध ही लगती हैं, खास करके जब महिला हो तो। और कुछ उम्र करीब 60 के करीब है, 55-60 के करीब, 60 के करीब है, दांत भी गिरे हुए हैं 60 के करीब। कुछ ऐसा मालूम पड़ा भाई क्या, कितनी पुरानी थी या 2-4 दिन? ये ऐसा लगता है जैसे कल रात की हो या परसों रात, पिछले रात की, एक रात पुरानी लगती। बॉडी को भेज दिया जी हॉस्पिटल? हाँ, बॉडी को अभी हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। थैंक यू सर।